एनी के मूवमेंट काफी फास्ट थे। उसने बीच हवा में ही खुद को स्टेबलाइज कर दिया और सेफली अपने पैरों के बल लैंड हुई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम के अटैक के बावजूद भी एनी बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर टिम, अमन और मान्या दंग रह गए। यहां तक कि माही भी काफी सरप्राइज लग रही थी, मगर इसके साथ ही साथ उसे इस बात की तसल्ली हो रही थी कि एनी को चोट नहीं पहुंची। माही को इस बात का डर था कि कहीं गौतम एक ही झटके में किसी और इंसान की जान ना ले ले। एनी ने सबकी तरफ घूर कर देखा और उसके चेहरे पर इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और फिर उसने कहा, लगता है कि अब ये काम मुझे खुद ही पूरा करना पड़ेगा। शुरुआत में एनी बैरन और पवन के पावर को यूज करके ओबेरॉय परिवार को तबाह करना चाहती थी, मगर उसने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यूरोपियन किंग खुद आकर उसके सारे प्लान को चौपट कर देगा। अमन ने एनी की तरफ देखते हुए गौतम को तुरंत याद दिलाते हुए कहा, मास्टर जी, इसी औरत की वजह से बनी की कंडीशन इतनी खराब है, इसे हराकर हमें बनी के लिए एंटीडोट मिल जाएगा। मगर इस पल में गौतम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं खोया हुआ था। गौतम के चेहरे पर आमतौर पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, मगर एनी को देखते ही उसकी आंखें अचानक चमकने लगी और उसके चेहरे पर हैरानी देखकर एक अलग ही कहानी बयां हो रही थी। ये देखकर अमन ने कंफ्यूज लगते हुए उससे पूछा, अरे क्या मास्टर जी एनी को जानते हैं? मान्या ने फिर अंदाजा लगाते हुए कहा, लगता है कि इन दोनों के बीच में भी कोई पुराने गिले शिकवे हैं। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, जब एनी ने गौतम के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे का भी एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। एनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गौतम को नोच कर उसकी जान लेना चाहती थी। ये देखकर अमन समझ गया और उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इन दोनों के बीच कोई पुराने गिले शिकवे होंगे। एनी गौतम के चेहरे की तरफ घूर कर देख रही थी, जैसे कि गौतम ने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया था। गुस्से के मारे एनी का पूरा शरीर कांप रहा था और उसने चिल्लाकर कहा, आखिर तुम्हारा चेहरा मेरे गोविंद से इतना मिलता जुलता क्यों लग रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे गोविंद के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हो? एनी का एटीट्यूड बहुत भयानक लग रहा था और उसके सर पर खून सवार था। अगले ही पल में एनी गौतम की तरफ आगे बढ़ी। एक ही पल में एनी के हाथों में 5 शार्प हथियार दिखाई देने लगे और वो गौतम के चेहरे के मास्क को चीर देना चाहती थी। गौतम अपनी जगह पर इस तरह खड़ा रहा जैसे कि उसके पैर जमीन से जुड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। ये देखकर अमन काफी घबराया हुआ लगने लगा और उसने कहा, मास्टर जी जरा संभल कर। अमन ने फिर हैरान लगते हुए कहा, डैमिट, आखिर मास्टर जी ने ऐसा क्या कर लिया कि एनी उनके चेहरे को नोचना चाहती है? क्या उसे मास्टर की खूबसूरती से जलन हो रही है? घबराहट के मारे माही ने भी चिल्लाते हुए गौतम को पुकारा, गौतम जरा संभालो। एनी के हाथ का शार्प ब्लेड ऑलमोस्ट गौतम के चेहरे तक पहुंचा, मगर तभी अचानक उसका शरीर हवा में कहीं गायब हो गया। एनी तो गौतम के कपड़ों तक को छू नहीं पाई। एनी बार बार गौतम को अटैक करती रही, मगर हैरानी की बात तो यह थी कि गौतम खुद को डिफेंड करता रहा और उसने एनी को बिल्कुल भी अटैक नहीं किया। ये देखकर माही काफी कंफ्यूज लगने लगी और उसने कहा, ये सब क्या हो रहा है? लगता है कि गौतम एनी को जानता है, मगर जिस तरह से वो एनी की तरफ देख रहा है, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि उसके मन में एनी के लिए कोई गिले शिकवे हैं। एनी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो गौतम को जानती है, और उसके ये कहने का क्या मतलब हुआ कि गौतम उसके प्रेमी गोविंद जैसा लग रहा है? क्या उन दोनों की शक्ल मिलती जुलती है? यश ने फिर कहा, जब मैं 10 साल का था तब मैं अपने परिवार को छोड़कर जा चुका था। तब से लेकर मैंने शिंदे परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा है। मैं नहीं जानता कि मेरा कजन दिखने में कैसा लगता है, मगर शिंदे परिवार के लोग दिखने में काफी अच्छे हैं, तो मैं ये बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आदमी भी दिखने में ठीक ठाक होगा। माही ने फिर हैरान लगते हुए कहा, सिर्फ ठीक ठाक क्या होता है? अगर वो आदमी गौतम जैसा लगता है तो वो डेफिनेटली एवरेज से तो कहीं गुना ज्यादा बेहतर लगता है, समझे? इस पॉइंट पर माही को एहसास हुआ कि उसके पास खड़े विक्रम के चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ गया और उसने तुरंत अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मगर चाहे कोई कितना भी हैंडसम क्यों ना लगे, मेरे डार्लिंग पति से ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जब तक माही बात कर रही थी तब तक एनी और गौतम के बीच की जंग जारी थी। सच तो यह था कि उस जंग में सिर्फ एनी ही पूरे जोश के साथ मुकाबला कर रही थी। शुरुआत से लेकर अब तक गौतम के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला। वो सिर्फ एनी के चेहरे की तरफ देखता रहा और उसे अटैक करने के लिए अलाउ करता रहा। उन दोनों की लड़ाई को देखकर अमन को कुछ बहुत अजीब लग रहा था, और फिर उसने कहा, क्या ये सब मेरी इमेजिनेशन है? आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कि मास्टर जी एनी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं? उन दोनों के बीच की स्वीटनेस को देखकर तो मुझे डायबिटीज हो रही है। अमन ने फिर अचानक पॉइंट आउट करते हुए कहा, देखो जरा वहां देखो, अपने आखिरी अटैक के बाद एनी गिरने वाली थी और मास्टर जी ने सही वक्त पर उसकी मदद की। उन्हें क्या लगता है कि अगर वो दोनों इतनी तेजी से अटैक करते रहेंगे तो मैं उनके मूव को देख नहीं पाऊंगा? अरे ये क्या,
एनी तो मास्टर जी की बाहों में गिर गई। वो जान बूझ कर एक कदम आगे बढ़े, वो देखो अब तो मास्टर जी ने एनी का हाथ पकड़ लिया। अमन की ऐसी बातें सुनकर माही ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, अब चुप हो जाओ, हम सब अंधे नहीं हैं। सब लोग ये बात अच्छी तरह से देख पा रहे थे कि किस तरह एनी के लिए गौतम का बर्ताव काफी अलग था। गौतम शुरुआत से लेकर अंत तक खुद को डिफेंड करता रहा, जैसे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट कर रहा था। उनके आधे घंटे की प्रेम कहानी के बाद गौतम ने अचानक एनी के मूवमेंट को रोक लिया। उसने एनी के लेफ्ट हैंड को एक हाथ से ब्लॉक किया और एनी के राइट हैंड के एक्यूपंक्चर पॉइंट पर थोड़ा प्रेशर अप्लाई किया। इसकी वजह से एनी ने अपने हाथों में जो हथियार पकड़े हुए थे वो सब के सब जमीन पर गिर गए। और फिर अगले ही पल में गौतम एनी का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने चेहरे के पास ले गया। गौतम के चेहरे को महसूस करते हुए एनी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और हैरानी के मारे उसने कहा, नहीं ये कोई मास्क नहीं है। एनी ने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, ये चेहरा असली कैसे हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है, भला ये आदमी मेरे गोविंद जितना इतना मिलता जुलता क्यों लग रहा है। एनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी, मगर जल्द ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा कालापन छा गया और फिर उसने गुस्से में कहा, कोई भी मेरे गोविंद जैसा दिखने के लायक नहीं है। एनी की कही ये बात सुनने के बाद भी गौतम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप एनी की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और एनी गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। उसके बाद गौतम ने अचानक एनी को कसकर गले लगा लिया। ये देखकर अमन ने हैरान लगते हुए कहा, मास्टर जी ने तो सच में कमाल कर दिया। मान्या ने भी हैरान लगते हुए कहा, वाओ इन दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अमन ने फिर नाराज लगते हुए कहा, मास्टर जी मैंने तो आपको एंटीडोट लाने के लिए कहा था, आखिर आप एनी के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। एनी के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मगर तभी अचानक गौतम ने एनी के कानों में उसे पुकारा, अंजी। जब एनी ने यह नाम सुना तो एक पल के लिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ब्लैंक पड़ गया और फिर उसने कहा, आखिर क्यों। एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने मन ही मन में कहा, भला मुझे ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरा दिमाग इस आदमी को धक्का देना चाहता है मगर मेरा दिल इसी तरह से गले लगाना चाहता है। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि ये आदमी दिखने में मेरे गोविंद जैसा लगता है। मगर मैं ये बात तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो सिमिलैरिटीज मुझे महसूस हो रही हैं वो सिर्फ इस आदमी के चेहरे की वजह से नहीं हो रही हैं, मुझे इस आदमी से ही बहुत कुछ महसूस हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इस वक्त पर मैं इस आदमी को धक्का देकर इसकी जान लेना चाहती हूँ, मगर इस आदमी की बाहों में मुझे सुकून महसूस हो रहा है, जैसे कि यह आदमी मेरे मन पर कंट्रोल कर रहा है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर पा रही हूँ। जब वहां मौजूद हर एक इंसान ने गौतम को एनी को अंजी पुकारते हुए सुना तो वो दंग रह गए। अमन ने हैरान लगते हुए पूछा, रुको रुको, क्या मास्टर जी ने अभी अभी एनी को अंजी पुकारा। माही ने हामी भरते हुए कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है। अमन ने फिर कंफ्यूज लगते हुए कहा, मगर अंजलि तो मर चुकी है ना। माही ने फिर जवाब देते हुए कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अमन ने हैरान लगते हुए कहा, डैम इट, अगर एनी ही अंजलि है तो क्या अब मुझे उसे भी मास्टर नहीं पुकारना होगा। अमन की कही बात सुनकर माही ने अपना मुंह बनाते हुए मन ही मन में कहा, आखिर ये आदमी अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना कब बंद करेगा। गौतम ने एनी को इस तरह गले लगाया जैसे कि वो अपनी जिंदगी को गले लगा रहा था और फिर उसने कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, गलती सिर्फ मेरी है, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। इस पॉइंट पर एनी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मगर इसके बावजूद भी वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रो क्यों रही थी, मगर जैसे ही उसने गौतम के कहे वो शब्द सुने तो उसके आंसू बहने लगे। गौतम ने फिर एनी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ याद दिलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। इस पॉइंट पर जब माही ने देखा कि गौतम और एनी वहां से जाने वाले थे तो उसने अचानक चिल्लाते हुए कहा, गौतम रुको, मुझे वो एंटीडोट चाहिए। माही की कही बात सुनकर गौतम अचानक रुक गया और फिर उसने एनी की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, श्रेया एंटीडोट कहां पर है। एनी गौतम की आंखों में देखने लगी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी रूह पूरी तरह से गौतम के कंट्रोल में थी और उसने अपनी पॉकेट में से एक छोटा मेडिकल पाउच निकाला। गौतम ने एनी के हाथ से उस मेडिकल पाउच को लेते हुए उसे माही की तरफ फेंक दिया और फिर वो एनी को अपनी गोद में उठाते हुए जंगल में कहीं गायब हो गया। ये देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से दंग रह गया। अपने हाथ में एंटीडोट पकड़ते हुए माही ने हैरानी के मारे कहा, गौतम ने तो सच में कमाल कर दिया, उसने एनी को अपने जाल में फंसाकर एंटीडोट हासिल कर लिया। मान्या ने काफी क्यूरियस लगते हुए कहा, आखिर मास्टर जी और एनी का एक दूसरे के साथ किस तरह का रिश्ता है।
तभी अचानक पीछे खड़े यूरोपियन किंग ने कहा, मुझे लगता है कि वो लड़की गौतम की गर्लफ्रेंड मिस श्रेयांजलि है, और लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है और इसीलिए वो गौतम को पहचान नहीं पा रही। माही ने कुछ समझने की कोशिश करते हुए कहा, याददाश्त चली गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कई साल पहले श्रेयांजलि की मौत नहीं हुई थी? ऐसा हो सकता है कि शिंदे परिवार ने किसी तरह उसे बचा लिया मगर उसकी याददाश्त चली गई। हो सकता है कि शिंदे परिवार एनी की काबिलियत में इंटरेस्टेड थे तो इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ रखा। एनी बार बार बोल रही थी कि गौतम की शक्ल गोविंद से बहुत मिलती जुलती थी। हो सकता है कि याददाश्त होने के बावजूद भी वो अपने प्यार के एहसास को भुला नहीं पाई। वो गोविंद से इतना प्यार किया करती थी कि मौत का सामना करने के बावजूद भी वो उसकी शक्ल को भुला नहीं पाई। ये सुनकर अमन को भी सब कुछ समझ में आ गया और उसने कहा, अच्छा तभी मैं सोचूं कि एनी मास्टर जी के साथ इतनी नरमी क्यों दिखा रही थी, असल में मास्टर जी ही उसका सच्चा प्यार है। मान्या ने भी कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं अब एनी और मास्टर जी के साथ क्या होगा। माही ने अपने हाथ में पकड़े एंटीडोट की तरफ देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि एनी की याददाश्त वापस आ जाए और मुझे पूरा यकीन है कि गौतम इस काम में जरूर कामयाब होगा। माही फिर पीछे मुड़कर जेक की तरफ देखने लगी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जेक दादाजी थैंक यू कि आप सही वक्त पर यहाँ आ गए और हमारी इतनी बड़ी मदद की। माही ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर जेक वहां पर सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो तीन छुपे हुए अटैकर्स के साथ भी वहां पर बहुत ज्यादा खून खराबा हो जाता। जेक ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो मेरी वजह से ही तुम लोगों को इतनी परेशानी हुई। माही ने फिर मुस्कुराकर कहा, मैंने सच में नहीं सोचा कि आपकी असलियत इतनी शॉकिंग होगी। माही बहुत हैरान महसूस कर रही थी। वो जिस आदमी को प्रोड्यूसर के तौर पर जानती थी और जो आदमी हमेशा उसके साथ काफी काइंडली बिहेव करता था वो असल में यूरोप का रियल अंडरग्राउंड किंग था। माही के चेहरे पर हैरानी देखकर जेक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं सिर्फ एक प्रोड्यूसर हूँ जिसे फिल्म बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। जेक ने फिर माही की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस लेकर कहा, माही तुम सच में मेरी बेटी कैरोलाइन जैसी दिखती हो। उन दिनों कैरोलाइन ने मेरे वार्निंग को इग्नोर किया और एक्टिंग करियर में शामिल हो गई। तुम्हारी ही तरह उसकी शुरुआत इंडस्ट्री में एक स्टंट वुमन के तौर पर हुई। उसने अकेले ही बहुत मेहनत की और वो हमेशा मुझसे कहती रही कि वो अपने एक्टिंग करियर से सबसे ज्यादा प्यार करती है। एक्टिंग करना उसे सच में बहुत ज्यादा पसंद था। वो चाहती थी कि मैं उसके इस सपने को समझूं और उसको एक्टिंग के काबिल समझूं। मगर जब तक मैं उसके सपने को समझ पाया और उसे समझ पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शूटिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया। तुम्हें देखकर मुझे उसी की याद आती है। मेरे कई सारे बेटे हैं मगर मेरे पास सिर्फ दो बेटियां थीं। मेरी सबसे छोटी बेटी घर से भाग गई क्योंकि मैं उसकी शादी गौतम से करवाना चाहता था। आज तक वो मुझे पापा बुलाने के लिए भी तैयार नहीं हुई। मेरी जिद की वजह से कैरोलाइन की भी मौत हो गई। वो मेरी इज्जत कमाना चाहती थी और इस चक्कर में उसने जरूरत से ज्यादा मेहनत की और फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। जब माही ने देखा कि किस तरह जेक अपने अतीत को याद करते हुए खुद को ब्लेम कर रहे थे तो माही के मन में कई सारे इमोशन जगने लगे। माही के सामने जो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था वो कोई यूरोपियन किंग नहीं था जिसने पूरी दुनिया के अंडरग्राउंड को हिलाकर रख दिया था। माही के सामने खड़ा वो आदमी अब सिर्फ एक पिता था। इसके बारे में सोचते हुए माही ने मन ही मन में कहा, तभी मैं सोचूं कि मुझसे मिलकर इन्हें इतनी खुशी क्यों महसूस होती थी। दरअसल इन्हें तो मुझमें अपनी बेटी दिखाई देती थी। माही ने फिर जेक की तरफ देखते हुए कहा, हालांकि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही मगर उन्होंने हम सबके लिए अपनी सबसे खूबसूरत यादें पीछे छोड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ आपके लिए ही मेहनत नहीं की बल्कि अपने सपनों के लिए भी बहुत मेहनत की और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। माही की कही ये बात सुनकर जेक की आंखें चमकने लगी और उन्होंने माही से पूछा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? माही ने हामी भरते हुए जेक से कहा, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं ऐसा ही सोचती। माही की कही बात सुनकर जेक ने एक गहरी सांस ली जैसे कि उनके मन से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया और फिर उन्होंने माही से कहा, थैंक यू। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल यूरोप वापस लौट रहा हूं माही बेटा। अगर तुम्हारा कभी यूरोप आना हुआ तो मुझसे मिलने जरूर आना और तुम्हारी खातिरदारी करने का मौका देना। ये सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए जेक से कहा, हाँ बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगी। जेक के वहां से जाने के बाद यूरोपियन गैंग के सारे लोग वहां से चले गए। ये देखकर विक्रम और यश के लोग भी वहां से चले गए। अब उस बड़े से हेवनली स्प्रिंग रिजॉर्ट की शांति दोबारा लौट आई। वो जगह अब पहले जितनी ही खूबसूरत लगने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां किसी तरह का कोई तमाशा हुआ ही नहीं। रही बात इस बार के बड़े से जंग की तो इस जंग में जिस इकलौते इंसान की मौत हुई वो सिर्फ पवन था।
माही पवन की लाश की तरफ देखने लगी, जिसकी मौत अनफॉर्चुनेटली गौतम के हाथों हुई। पवन की तरफ देखते हुए माही के मन में कई सारे इमोशंस जगने लगे। टिम धीरे धीरे करके पवन की तरफ आगे बढ़ा। उसने अपना जैकेट उतारा और उस जैकेट से पवन के चेहरे को ढक दिया और वो खुद पवन की लाश को अपनी गोद में उठाकर वहां से चला गया। टिम की आंखें नम पड़ चुकी थी और उसने मन ही मन में कहा, चाहे कुछ भी हो, पवन जी हमेशा मेरे गुरु रहेंगे। हालांकि उन्होंने बहुत गलत काम किए, मगर मैं उनकी लाश को इस तरह सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। अमन टिम को वहां से जाते हुए देखता रहा और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि यश को लड़ने का मौका नहीं मिला तो उसने आलस के मारे उबासी लेते हुए कहा, ये सब तो बहुत बोरिंग था। जो असिस्टेंट उन लोगों के साथ आया था वो तुरंत यश के पास गया और उसने पूछा, बॉस कंपनी की तरफ से अब हमें क्या करना चाहिए? इस बार तो हमारे पूरे कॉरपोरेशन को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे अंडर काम करने वाले लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। यश ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए कैजुअली उससे कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये कंपनी नहीं चाहिए। यश की कही ये बात सुनकर असिस्टेंट बहुत कंफ्यूज लगने लगा और उसने पूछा, क्या आपको ये कंपनी नहीं चाहिए? इसका क्या मतलब हुआ? यश ने मुस्कुराकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए उससे कहा, अब से इस कंपनी के बॉस तुम हो। यश की कही ये बात सुनकर असिस्टेंट दंग रह गया और उसने हैरान लगते हुए पूछा, मैं कंपनी का बॉस हूं तो फिर बॉस आप क्या करोगे? यश इस बात से एक गहरी सोच में डूब गया और फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं जहाज का लुटेरा बन जाऊंगा। यश की कही ये बात सुनकर असिस्टेंट दंग रह गया और उसने कहा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहीं दूसरी तरफ जब माही ने यश की कही ये बात सुनी तो वो अपना मुंह बनाने लगी। यश ने माही के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पुराने तरीकों से फिर से ओबेरॉय परिवार को बर्बाद करने की कोशिश करूंगा? परेशान मत हो, अब मुझे ऐसा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आदमी, यश अचानक विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखने लगा और फिर उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बहुत बोरिंग है। माही के रहते यश और विक्रम की जंग कभी शुरू नहीं हो सकती थी। माही यश की बात समझ गई और उसने मुस्कुराकर यश की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू। माही के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर यश की आंखों में एक तरह की चमक दिखाई देने लगी और उसने जवाब देते हुए माही से कहा, बेवकूफ कहेंगी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद यश मुड़कर वहां से जाने लगा। मान्या तुरंत यश के पीछे गई और उसने जाते जाते पीछे मुड़कर माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, माही अब मैं निकल रही हूं और जब तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो जाए तो मुझे जरूर बुलाना। मान्या की कही ये बात सुनकर यश, जो कि उसके आगे तेजी से चल रहा था, वो मुड़कर घूरते हुए मान्या की तरफ देखने लगा। ये देखकर मान्या हैरान लगते हुए यश से पूछने लगी, अरे क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? मान्या के साथ चल रहे अमन ने अपना सर हिलाते हुए मन ही मन में कहा, तुमने तो उस बेचारे का छोटा दिल तोड़ दिया। वापस लौटने के बाद माही ने तुरंत बनी को एनी का दिया एंटीडोट खिलाया, जिसकी वजह से बनी धीरे धीरे करके रिकवर होने लगा। माही ने कई बार गौतम और एनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे उन दोनों की कोई खबर नहीं मिली। रही बात दुनिया की, तो ओबेरॉय कॉरपोरेशन को इस आंधी में कोई नुकसान नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट से एक एक करके विड्रॉ होने लगे और इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व हो गई। कुछ ही दिनों के बाद एक खबर ने पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया और वो ये था कि इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने इंडियन मार्केट से अपना नामो निशान पूरी तरह से मिटा दिया। और फिर करीब 6 महीनों के बाद कोई ड्रग्स की स्मगलिंग का केस कोर्ट सेशंस में शुरू होने लगा। जिस वजह से ये खबर पूरे देश में फेमस हुई वो ये था कि जो इंसान इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था वो कोई और नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रिटायर्ड पॉपुलर फीमेल स्टार और बर्मन कॉरपोरेशन के ओनर की बड़ी बहू रागिनी बर्मन थी। इस खबर के बाहर निकलते ही सब लोगों को एक बहुत बड़ा झटका सा लगा। मुंबई के किसी जेल में जब रागिनी ने देखा कि उससे मिलने कौन आया था तो उसने हंसते हुए कहा, युवराज तुम जिस वजह से मुझसे मिलने आए हो उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगी। युवराज अपने सामने खड़ी रागिनी की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगा। इस पल में युवराज के चेहरे पर किसी तरह की कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी और फिर उसने रागिनी से कहा, मैं यहां तुमसे डाइवोर्स के सिलसिले में बात करने नहीं आया हूं। रागिनी ने फिर युवराज से पूछा, तो फिर तुम यहां पर क्या बोलने आए हो? युवराज ने जवाब देते हुए रागिनी से कहा, चाहे जो भी हो हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज एक आखिरी बार देखने आया हूं। युवराज की कही ये बात सुनकर रागिनी ने अपना मुंह बनाते हुए उससे पूछा, ये तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? युवराज ने रागिनी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
रागिनी एक गहरी सोच में डूब गई और फिर अचानक उसके मन में एक ख्याल आया और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। फिर उसने हैरान लगते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा मेरी हियरिंग पर मुझे ड्रग्स को छुपाने के चार्ज लगाए जाएंगे। और तो और, रही बात उन इलीगल एक्टिविटीज की जो कि देश के बाहर हुई, तो मैंने तो सिर्फ कुछ लोगों को अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए हायर किया था। इतने सारे चार्जेस लगने के बाद भी मुझे ज्यादा से ज्यादा 20 या फिर 30 साल की सजा मिलेगी। उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं इस जेल से बाहर निकल पाऊंगी। रागिनी की कही बात सुनकर युवराज ने बिना किसी इमोशंस के जवाब देते हुए उससे कहा, तुम्हारे ऊपर ड्रग्स को छुपाने के चार्जेस नहीं बल्कि ड्रग्स की इलीगल पोजेशन के चार्जेस लगने वाले हैं। युवराज की कही ये बात सुनकर रागिनी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसने इमोशनली युवराज की तरफ देखते हुए उससे कहा, ड्रग्स की इलीगल पोजेशन, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ड्रग्स को छुपाने में किसी और की मदद कर रही थी। वो ड्रग्स तो मेरे थे भी नहीं, ये सरासर झूठ है। रागिनी इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी। अगर रागिनी पर ड्रग्स के इलीगल पोजेशन के चार्जेस लगते हैं तो ड्रग्स की क्वांटिटी को देखकर रागिनी को मौत की सजा मिलना तय था। इसके बारे में सोचते हुए रागिनी ने मन ही मन में कहा, तभी मैं सोचूं कि आखिर आज युवराज मुझसे यहां पर डाइवोर्स की बात करने क्यों नहीं आया है। मेरे मर जाने के बाद तो युवराज को बड़ी आसानी से इस शादी से छुटकारा मिल जाएगा। भला मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। चाहे बात कोई भी हो, मुझे तो ये तक नहीं पता चला कि आखिर पुलिस वालों को इस बात का एविडेंस कहां से मिला कि मैंने ड्रग्स छुपाए रखे थे। और तो और, मुझे ये भी नहीं पता चला कि पुलिस वालों ने ये कैसे पता लगाया कि मैंने सब कुछ इतनी आसानी से मैनेज कैसे कर लिया। उन लोगों के पास तो मेरे खिलाफ काफी एविडेंस था। मैं ये बात तो समझ गई थी कि उन लोगों ने मेरा नाम एक्सपोज कर दिया होगा, मगर मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। अगर इस बात की वजह ये भी होती कि वो लोग अब्रॉड से थे और उनके पते का कोई ठिकाना नहीं था, तो ऐसे में अगर उनका नाम सामने भी आ जाता है तो इस देश की पुलिस उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। वो तो सारे एविडेंस पुलिस वालों को दे देगी, इसमें उनका क्या फायदा होगा। कहीं ये काम फिर से माही ने तो नहीं किया होगा, कहीं माही ने उन्हें रिश्वत देकर उनसे ये सब तो नहीं करवाया। युवराज के वहां से जाने के बाद रागिनी ने अपने लॉयर को मिलने बुलाया। जैसे ही रागिनी का लॉयर उससे मिलने आया तो रागिनी ने सबसे पहले उससे पूछा, क्या मुझे 10 या फिर 20 साल की सजा लगने वाली है? तुम इस बात को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो? रागिनी की कही ये बात सुनकर लॉयर के चेहरे का एक्सप्रेशन जम गया। ये देखकर रागिनी का खून खौलने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, आखिर यहां हो क्या रहा है? तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। रागिनी के पास बर्मन परिवार के करप्शन के खिलाफ पक्का सबूत था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में युवराज इतना फियरलेस क्यों लग रहा था। लॉयर कुछ देर तक हिचकिचाने लगा और फिर उसने कहा, मिसेस बर्मन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बर्मन परिवार को किसी बड़े आदमी का सपोर्ट मिला है। आपके इस केस के लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि आप अभी से ही सबसे बुरे कंडीशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। लॉयर की कही बात सुनकर रागिनी कंफ्यूज लगने लगी और उसने पूछा, बड़े आदमी का सपोर्ट मिला है? आखिर उन्हें किस तरह के लोग सपोर्ट कर सकते हैं? लॉयर ने अपना गला साफ करते हुए रागिनी से कहा, क्या आपने इसके बारे में सुना नहीं है? मुझे लगा कि मिस्टर बर्मन ने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया होगा। दरअसल मिस्टर बर्मन दिल्ली के चक्रवर्ती परिवार की बेटी से अगले महीने शादी करने जा रहे हैं। लॉयर की कही बात सुनकर रागिनी तंग रह गई और उसने हैरानी के मारे पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसके बारे में सोचते हुए रागिनी ने मन ही मन में कहा, तभी मैं सोचूं कि आखिर बर्मन परिवार मुझे मारने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। अब मुझे पता चला कि वो लोग मेरी जगह खाली करके नई बहू रानी को देना चाहते हैं। इसके बारे में सोचकर रागिनी के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन छा गया और उसने अपने लॉयर की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। मुझे अपनी रिपोर्ट में यह लिखवाना है कि मिस्टर विष्णु बर्मन ने रिश्वत देकर अपना काम करवाया है। अगर मेरी मौत लिखी हुई है तो मैं उन लोगों को भी जिंदा रहने नहीं दूंगी। लॉयर ने एक गहरी सांस लेते हुए रागिनी की तरफ देखकर कहा, मिस रागिनी, जाने दीजिए, क्या आप चक्रवर्ती परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानती? आप चाहे कुछ भी कर लो, वो लोग आपको इस काम में कामयाब होने नहीं देंगे। बर्मन परिवार और चक्रवर्ती परिवार के इस रिश्ते के साथ आपके पास चाहे कितना भी सबूत क्यों ना हो, वो कोर्ट में पहुंचने से पहले ही मिटा दिया जाएगा। जब रागिनी ने अपने लॉयर की कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया और हैरानी के मारे वो एक मेटल चेयर पर बैठ गई। उसने मन ही मन में कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। युवराज, युवराज तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ दिनों के बाद शहर के सिटी सेंट्रल प्लाजा की तरफ कई सारे लोग दौड़ते हुए हर जगह से पहुंच रहे थे। वहां से गुजरते हुए लोग भी खुद को रोक नहीं पाए
और अपने कदम रोककर ऊपर लगे उस बड़े से बैनर स्क्रीन की तरफ देखने लगे। उस स्क्रीन पर एक फाइटिंग सीन और शूटआउट दिखाया जा रहा था। उस सीन के बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स, क्लासिक प्लॉट और एक बेहद खूबसूरत चेहरा जो कि इंडिया के लोगों के बीच काफी फैमिलियर था, उसे देखकर लोग काफी अट्रैक्टेड महसूस कर रहे थे। वो दरअसल एक मूवी का ट्रेलर था जिसके खत्म होने के बाद उस बड़े से स्क्रीन पर एक प्रमोशनल बैनर दिखाई दिया जिस पर लिखा था, प्रेजेंटिंग टू यू द फर्स्ट ट्रेलर ऑफ असैसिन द रिटर्न ऑफ द किंग, स्टे ट्यून्ड। जब लोगों ने असैसिन फिल्म के ट्रेलर को देखा तो लोगों ने एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाकर कमेंट करते हुए कहा, आहा, ये तो माही ब्रो की असैसिन फिल्म का ट्रेलर था। कितने महीनों तक हम इस ट्रेलर का इंतजार करते रहे और फाइनली ये फिल्म जल्दी थिएटर में रिलीज होने वाली है, मगर ये तो मेरी उम्मीद से भी पहले रिलीज होने जा रही है। मुझे तो लगा कि इस फिल्म की भी कहानी थंडरबोल्ट सीक्रेट सर्विस स्क्वाड जैसी होगी जिसे रिलीज होने में 2 साल लग गए थे। इस फिल्म के क्रू के पास काफी फंडिंग था। मैंने तो ये भी सुना था कि इस फिल्म के लिए जिस स्पेशल इफेक्ट की टीम को उन्होंने हायर किया था वो भी काफी बेहतरीन थे जिसकी वजह से इस फिल्म का हर एक सीन काफी नेचुरल लगता है। वो लोग वाकई में काफी एफिशिएंट हैं। मेरी माही ब्रो तो सच में बहुत हैंडसम लग रही है। अरे अरे अरे, मैंने तो माही ब्रो के साथ एक और खूबसूरत लड़की देखी थी। भला उस सीन में जो लड़की माही ब्रो के साथ लड़ाई कर रही थी वो कौन थी? वो तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो शायद कबीर ओबेरॉय है। व्हाट द हेल, ये तुम क्या बोल रही हो? कबीर ओबेरॉय? तुम्हारा मतलब हमारा कबीर ओबेरॉय? वो भी फीमेल आउटफिट में? वो तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसकी खूबसूरती को देखकर तो कई सारी लड़कियां उसके पीछे छूट जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ माही अभी अभी असैसिन फिल्म के क्रू के साथ डिनर करके बाहर निकली। वो जैसे ही होटल के कार पार्किंग एरिया की तरफ गई उसने अनएक्सपेक्टेडली वहां पर किसी को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अजय सिन्हा था जो माही की गाड़ी के पास इस तरह खड़ा था जैसे कि वो माही का ही इंतजार कर रहा था। उन्होंने माही को पुकारते हुए कहा, माही, माही बेटा। माही ने अपने कदमों को रोकते हुए अजय सिन्हा से पूछा, मिस्टर सिन्हा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? अजय सिन्हा ने अपना गला साफ करते हुए माही से कहा, अगले महीने न्यू ईयर आने वाला है। माही को समझ नहीं आ रहा था कि अजय क्या कहने की कोशिश कर रहे थे और वो चुपचाप उनकी बात सुनने के लिए अपनी जगह पर खड़ी रही। अजय माही से ये पूछना चाहते थे कि क्या वो इस साल न्यू ईयर मनाने सिन्हा रेजिडेंस पर आएगी, मगर उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उन्होंने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, माही बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता था, मगर तुम तो जानती हो कि पिछले 6 महीनों से सिन्हा परिवार की सिचुएशन कुछ ज्यादा ठीक नहीं रही है। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसके अलावा तुम्हारी माँ के मिसकैरेज की वजह से वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं इतनी सारी चीजों को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अजय सिन्हा बिना मुद्दे की बात किए माही से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे। दरअसल इतना कुछ कहने के बाद वो माही से ये नहीं कह पाए कि वो अपनी इस बेटी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अजय सिन्हा ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए माही से कहा, कई साल पहले जो कुछ भी हुआ उसकी सच्चाई के बारे में अब मुझे और तुम्हारी माँ को सब पता चल चुका है। हम जान चुके हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और रागिनी ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया था। अजय सिन्हा ने काफी एम्बेरस लगते हुए माही से कहा, मैं जानता हूं कि अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो माही। मैंने उन दिनों तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। रागिनी को मौत की सजा सुनाई गई है। वो जिस पनिशमेंट को डिजर्व करती है वो उसे मिल चुकी है। रागिनी की तरफ से माही उसके बारे में थोड़ा बहुत जानती थी और उसे यह भी खबर मिल चुकी थी कि रागिनी को मौत की सजा सुनाई गई थी। माही ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि देश की गवर्नमेंट ड्रग्स से रिलेटेड केसेस को काफी सीरियसली ट्रीट करती है और क्योंकि रागिनी इस केस में काफी डीपली इन्वॉल्व थी तो इसीलिए माही समझ गई कि रागिनी को मौत की सजा से कोई भी बचा नहीं सकता था। सच तो ये था कि रागिनी को सिर्फ ड्रग्स छुपाने के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया था क्योंकि जो ड्रग्स रागिनी के पास मिले वो उसके नहीं थे, तो इसीलिए उसे ड्रग्स के इलीगल पोजेशन के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता था। ऐसे में अगर रागिनी खुद के लिए एक अच्छा लॉयर हायर करती तो वो बड़ी आसानी से इस सजा से बच जाती, मगर मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि कुछ लोग रागिनी को जान से मारना चाहते थे। हालांकि युवराज और रागिनी का डाइवोर्स नहीं हुआ था, मगर जैसे ही रागिनी को जेल ले जाया गया तो मिसेस बर्मन ने तुरंत युवराज के लिए एक लड़की पसंद कर ली। अपने सर्कल के बीच सब लोग युवराज और रागिनी की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे तो इसीलिए ऐसे में युवराज के लिए अच्छे घर की लड़की को ढूंढना काफी मुश्किल हो गया था। मगर फॉर्चुनेटली युवराज की किस्मत उसके साइड पर थी। दिल्ली के चक्रवर्ती परिवार की बेटी को पहली नजर में ही युवराज से प्यार हो गया और उसने ये तक कह दिया कि अगर रागिनी का चैप्टर खत्म हो जाता है तो वो युवराज से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि चक्रवर्ती परिवार कोर्ट के मैटर संभालते थे तो इसीलिए उन्होंने अपने कनेक्शन की मदद से रागिनी को मौत की सजा सुनवाई
और उसके साथ ही साथ उन्होंने बर्मन परिवार के रिश्वत के सारे एविडेंस को मिटा दिया। मगर ये बात साफ जाहिर थी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चक्रवर्ती परिवार की बेटी के साथ डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। शादी से पहले ही उसने मिस्टर एंड मिसेस बर्मन को घर से बाहर निकाल दिया। वो युवराज के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो उनके बिजनेस से नफरत करती थी। ऐसे में मिस्टर एंड मिसेस बर्मन उसकी शर्तों को मानने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्हें घर से बाहर निकालने के बाद भी वो लड़की बिल्कुल खुश नहीं थी। वो हर दिन घर पर एक बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती थी क्योंकि वो युवराज को लेकर बहुत इनसिक्योर महसूस करती थी। इसके साथ ही साथ कुछ वक्त पहले वो लड़की एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइंस तक भी पहुंच गई क्योंकि वो युवराज की किसी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ हाथापाई पर उतर आई थी। मिसेस बर्मन ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि इस लड़की के साथ रहना इतना मुश्किल हो सकता था, मगर इस बात का पछतावा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। माही से बात करते हुए अजय सिन्हा ने माही के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की, तो इसीलिए अपनी बात कहने के बाद वो वहां से चले गए। अजय सिन्हा को वहां से जाते हुए देखकर माही ने मन ही मन में कहा, हालांकि मिस्टर सिन्हा को अब सब कुछ पता चल चुका है, मगर जो नुकसान होना था वो अब हो चुका है। मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं कि इतना कुछ सहने के बाद मैं उन्हें माफ कर दूंगी। इतना सोचने के बाद माही अपनी गाड़ी के अंदर जाकर बैठी और जैसे ही वो अपनी कार के इंजन स्टार्ट करने वाली थी तभी अचानक उसे उल्टी करने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी गाड़ी में रखे एक पॉलिथिन को उठाया और उसमें उल्टी करने लगी। उल्टी करने के बाद माही के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। माही ने थोड़ा सा पानी पिया और करीब 10 मिनट तक आराम करने लगी और फाइनली वो काम महसूस करने लगी। माही ने फिर मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और फिर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने तो मुझे इतनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दी। करीब 1 महीने पहले माही को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और उसकी भूख भी मर चुकी थी। शुरुआत में तो माही को लगा कि शायद काम की वजह से उसका शरीर थक चुका था, मगर धीरे धीरे करके उसे चीजें काफी अजीब लगने लगी और फाइनली वो अपना चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने पर माही को यह खबर मिली कि वो प्रेग्नेंट थी। जैसे ही माही को यह खबर मिली तो उसने चिराग दुबे की फिल्म कंप्लीट करने के बाद अपने काम को स्लो डाउन करने की प्लानिंग की और फिर पब्लिकली अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने का फैसला किया। अपनी प्रोग्रेस के सिलसिले में माही को अपने शरीर की कंडीशन को नोटिस करने का टाइम ही नहीं मिला। उसने ये तक नोटिस नहीं किया कि उसके शरीर में काफी अजीब चेंजेस हो रहे थे। जब माही की प्रॉब्लम बढ़ी तब जाकर उसने हॉस्पिटल में चेकअप करवाने का फैसला किया, मगर चेकअप के रिजल्ट से माही पूरी तरह से दंग रह गई और उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में उसका दूसरा बच्चा पल रहा था। माही इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी, मगर जल्द ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि इस बार उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो बनी जितना शांत नहीं था, क्योंकि जब बनी माही के पेट में था तो उसे ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर इस बार माही को बहुत थकान और उल्टियां होने लगी थी। माही इस बात से बेहद खुश थी कि चिराग की फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और असैसिन के सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज भी पूरे हो चुके थे। माही अब कंपनी लौटकर चिराग के साथ फिल्म के प्रमोशनल एक्टिविटीज के सिलसिले में कुछ डिस्कस करना चाहती थी। रही बात विक्रम ओबेरॉय की तो वो कुछ दिनों से काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और वो 3 दिन बाद ही वापस लौटने वाला था। माही ने सोचा कि जब तक विक्रम वापस नहीं लौटा था तब तक वो अपने पब्लिक अनाउंसमेंट की सारी तैयारी कर लेगी और विक्रम के लौटते ही अपनी शादी के अनाउंसमेंट कर लेगी। इसके बारे में सोचते हुए माही ने मुस्कुराकर मन ही मन में कहा, मैं तो अपने डार्लिंग पति के रिएक्शन को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मुझे पता है कि वो इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। ऐसी सिचुएशन में माही खुद से ड्राइव नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उसने रतन को उसे पिक करने के लिए बुलाया। इसके अलावा माही रतन के साथ कुछ डिस्कस भी करना चाहती थी। रतन जल्दी से माही के पास पहुंचा, मगर उसका फोन लगातार बजता जा रहा था। माही ने देखा कि रतन पसीने में पूरी तरह से लथपथ था और उसने रतन को पानी की एक बोतल देते हुए उससे कहा, रतन तुम्हें क्या हो गया? रतन ने एक ही झटके में आधी बोतल खत्म कर ली और जैसे ही वो बोलने की हिम्मत जुटा पाया तो सबसे पहले वो जोर जोर से रोने लगा। रतन का ये हाल देखकर माही दंग रह गई और उसने तुरंत रतन को कंफर्ट करते हुए उससे कहा, अरे क्या बात है रतन, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी, क्या हुआ है? रतन हर तरीके के मैटर के साथ अच्छी तरह से डील कर लेता था, मगर आज से पहले माही ने कभी रतन को इस हाल में नहीं देखा। रतन खुद को रोक नहीं पाया और उसने नाराज लगते हुए माही की तरफ देखकर उससे पूछा, कौन है वो आदमी? माही बस मुझे उस कमीने आदमी का नाम बता दो। रतन की ऐसी बातें सुनकर माही काफी कंफ्यूज लगने लगी और उसने पूछा, तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? रतन ने लाल आंखों के साथ माही के पेट की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है? रतन अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाया और वो दोबारा जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से पहले माही से कहा, माही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
रतन की कही ये बात सुनकर माही दंग रह गई और उसने रतन से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं? माही की ये बात सुनकर रतन का दिल टूटने लगा और उसने अपना फोन माही के हाथ में थमाते हुए उससे कहा, तो इसका मतलब ये खबर बिल्कुल सच है, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। देखो, तुम्हारा फोन आने के बाद अभिनव ने मुझे एक मैसेज भेजा, किसी ने तुम्हारी प्रेगनेंसी की न्यूज को लीक कर दिया है। रतन की कही ये बात सुनकर माही ने तुरंत उसके फोन की तरफ देखते हुए कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर एक स्टेटस एक घंटे पहले पोस्ट किया गया था, मगर इसके बावजूद भी वो खबर हॉट टॉपिक सेक्शन में पहुंच चुका था। सारे पॉपुलर सर्च, यहां तक कि फ्रेजेस भी माही के प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड थे। रतन ने फिर माही की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तुम अपने चेकअप के लिए किस हॉस्पिटल पर गई थी? माही ने जवाब देते हुए रतन से कहा, आमतौर पर लोग जिस हॉस्पिटल पर जाते हैं, मैं भी उसी हॉस्पिटल में गई थी। माही ने फिर मन ही मन में कहा, जब बनी बीमार हुआ था तब हम उसे उस हॉस्पिटल में ले गए थे। इनफैक्ट मुझे तो लगा कि हाल ही में मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी, जिसकी वजह से मेरे शरीर को बहुत ही स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो रही हैं। इसीलिए मैंने इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, और यही वजह थी कि मैं मिलिट्री हॉस्पिटल पर भी नहीं गई। मैं शहर के हॉस्पिटल में इसीलिए गई क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। रतन ने फिर माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, हालांकि शहर के हॉस्पिटल लोगों की प्राइवेसी का ध्यान देते हैं, मगर तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर बहुत बड़ी है, शायद किसी ने कुछ पैसे कमाने के लिए इस न्यूज को लीक कर दिया होगा। रतन ने फिर अपने दांतों को पीसते हुए कहा, हम सबसे ये कह देंगे कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, और जो रिजल्ट प्रूफ के तौर पर दिखाया जा रहा है वो भी फेक है। जब माही ने देखा कि रतन इतना परेशान लग रहा था तो वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने रतन से कहा, रतन इस बार मुझे पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। माही की कही ये बात सुनकर रतन दोबारा रोने लगा और उसने माही से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? रतन ने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, आखिर किस कमीने ने माही को अपने प्यार के जाल में इस तरह फंसाया है कि वो उसके चक्कर में अपने करियर को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गई है। माही ने रतन की तरफ देखते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दो रतन, मैंने तुम्हें इस खबर की तैयारी करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, मगर सच तो यह है कि इस खबर की जानकारी मुझे आज ही मिली है। रतन ने फिर हैरानी के मारे माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, बात वो नहीं है माही, बात यह है कि आखिर वो इंसान है कौन। प्लीज जरा इसके बारे में ध्यान से सोचो, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर तुमने इस बात की अनाउंसमेंट पब्लिकली कर ली तो तुम्हारी इमेज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये बात पता चल जाती है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हो, तो फैंस इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? जब रतन माही से बात कर रहा था तभी अचानक किसी ने कार की खिड़की पर नॉक किया। रतन उस आवाज से एकदम अलर्ट हो गया और उसने मुड़ते हुए पूछा, कौन है? गाड़ी के बाहर से अभिनव बिंद्रा की आवाज सुनाई दी। मैं हूं। रतन ने फिर गाड़ी के दरवाजे को अनलॉक कर दिया। अभिनव बिंद्रा ने गाड़ी के अंदर बैठते हुए माही के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थमाए और फिर उसने कहा, माही तुम्हारे पब्लिक अनाउंसमेंट की सारी तैयारी हो चुकी है, अब तुम मुझे सिर्फ डिसाइड करके एक टाइम दे दो और मैं सारे रिपोर्टर्स और बाकी लोगों को बुला लूंगा। जब रतन ने अभिनव की कही ये बात सुनी तो वो दंग रह गया और उसने हैरान लगते हुए कहा, क्या भला अभी अब पब्लिक अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? मैं अभी भी माही के साथ इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस चीज के हैं? आखिर तुमने इस बात की तैयारी कब शुरू की? उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ एक नजर देखते ही रतन समझ गया कि उसे तैयार करने में अभिनव को जरूर कुछ महीने लग गए होंगे। ऐसे में रतन को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव ने इस बात की तैयारी इतनी जल्दी कैसे शुरू कर दी। रतन के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम काला पड़ गया और उसने अभिनव की तरफ देखते हुए उससे कहा, अभिनव क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? जरा देखो कि ऑनलाइन लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज का इंतजार कर रहे थे। लोग बार बार ये कहते रहे कि माही सबके सामने अच्छा बनने का ढोंग करती रहती है, मगर असल में उसकी प्राइवेट लाइफ काफी मैसी है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि माही ने अपने फैंस की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। जरा इसके बारे में सोचो कि कितने सारे लोग माही की पॉपुलैरिटी से जलते थे और इतने सालों तक उसे गिरते हुए देखना चाहते थे। ऐसे में वही सारे लोग इस मौके का फायदा उठाकर माही को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। जब रतन अभिनव के साथ बहस कर रहा था तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। उसने देखा कि कहीं से काफी सारे रिपोर्टर्स उनकी तरफ दौड़ कर आ रहे थे और उन्होंने गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया। रिपोर्टर्स ने कमेंट करते हुए कहा, फाइनली हमें वो मिल गए, ये तो माही की कार है, अब हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सारे रिपोर्टर्स माही की गाड़ी को घेर कर खड़े हो गए और उनके कैमरा गाड़ी के अंदर एम कर रहे थे। रतन किसी तरह गाड़ी चलाकर पार्किंग लॉट के एरिया से बाहर निकल आया, मगर वो उसके आगे नहीं जा पाया। रिपोर्टर्स ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और वो गाड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए। सब के सब अपने कैमरा गाड़ी की तरफ एम कर रहे थे।
ये देखकर रतन बहुत ज्यादा परेशान लगने लगा। इस पॉइंट पर अभिनव बिंद्रा भी बहुत परेशान लग रहा था क्योंकि माही की फिर से उल्टियां शुरू हो गई। माही के रिएक्शन को देखकर रिपोर्टर का रिएक्शन और भी ज्यादा बड़ा हो गया। कई सारे रिपोर्टर्स तो अपने हैंडफोन के साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगे। रिपोर्टर ने माही से सवाल करते हुए उससे पूछा, मिस माही, क्या आप शादी से पहले अपनी प्रेगनेंसी के बारे में हमें कुछ कहना चाहते हो? माही सिन्हा, क्या आपके प्रेग्नेंट होने की खबर सच है? अगर हाँ, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि आपके पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन है? कहीं वो कबीर ओबेरॉय तो नहीं है? कुछ ही वक्त पहले किसी ने आपसे पूछा था कि क्या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो आपने मना कर दिया। मगर अब आप 3 महीने प्रेग्नेंट हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप पब्लिक से और अपने फैंस से झूठ बोलते रहे? रतन ने अपने फोन को अनब्लॉक किया और वो स्ट्रीमिंग साइट पर देखने लगा। सारे फैंस ऑनलाइन पागल हो रहे थे। लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा, माही ब्रो तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसमें यकीन करने वाली क्या बात है, जरा देखो तो माही उल्टी कर रही है। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो बीमार है और शायद किसी ने हमें गलत रिपोर्ट दिखाई है। सारे कमेंट को पढ़कर रतन के चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ गया और उसने अभिनव की तरफ देखते हुए उससे कहा, अभिनव जल्दी से मेरे लिए एक प्रपोजल तैयार करो। मैं नहीं चाहता कि ये मैटर पब्लिक तक पहुंचे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो आदमी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है उसी को इस बात की जिम्मेदारी उठानी होगी। भला माही इस बात की बदनामी क्यों सहे कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई? वो आदमी तो सच में बहुत ही ज्यादा घिरा हुआ है। शायद माही प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो इस बात को देख नहीं पा रही है। वो तो चेकअप करवाने के लिए माही के साथ भी नहीं गया। बाहर के शोर की वजह से माही की कंडीशन और भी ज्यादा बदतर हो गई और वो लगातार उल्टी किए जा रही थी और उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया। रतन की बातों को सुनकर अभिनव की बोलती बंद हो गई। इसके साथ ही साथ रिपोर्टर्स जो कि गाड़ी के बाहर मौजूद थे वो पूरी तरह से पागल हो रहे थे। सबके सब मिलकर गाड़ी की खिड़कियों को पटक रहे थे। हालांकि होटल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की, मगर फिर भी कोई तरकीब काम नहीं आई। वहां की सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो गई क्योंकि जो वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रही थी उस वीडियो को देखकर कई सारे फैंस ने उस जगह को पहचान लिया, जिसकी वजह से वहां और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। यहां तक कि इतनी भीड़ को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग भी उस भीड़ में शामिल होने लगे। देखते ही देखते पूरे होटल का एंट्रेंस लोगों से भर चुका था। ऐसी सिचुएशन में अगर रतन और बाकी लोग चाहें तब भी उस जगह से निकल नहीं सकते थे। होटल के एंट्रेंस पर भीड़ की वजह से बहुत हल्ला मच रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भीड़ में मौजूद लोगों को कंट्रोल करने में बिजी थे और हर जगह से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। मीडिया वालों के पागलपन और इमोशनल फैंस के बीच रतन की गाड़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। बाहर मौजूद माही के फैंस ने चिल्लाकर कमेंट करते हुए कहा, हमें तब तक इस बात का यकीन नहीं होगा जब तक माही ब्रो खुद हमें सच्चाई नहीं बता देती। हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं इस बात पर यकीन कर ही नहीं सकती कि हमारी माही ब्रो उस तरह की इंसान है। माही के फैंस अभी भी अपना पागलपन दिखाने में तुले हुए हैं। सच्चाई का सबूत होने के बावजूद भी उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। हम कोई पागलपन नहीं दिखा रहे, हमें बस सच्चाई अपनी माही ब्रो के मुंह से ही सुनना है। ऐसी बातों से तुम लोग अपना पागलपन प्रूफ कर रहे हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी माही ब्रो के खिलाफ आवाज उठाओ? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। माही ने देखा कि उसके सारे फैंस आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो अपनी उल्टी के बीच उस कार की खिड़की से बाहर देखने लगी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ लग रहा था। फिर माही ने अचानक रतन से कहा, रतन दरवाजे को अनलॉक करो, मुझे बाहर जाना है। माही की कही ये बात सुनकर रतन दंग रह गया और उसने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो माही? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभिनव जो कि कार की बैक सीट पर बैठे अब तक बिल्कुल चुप था, उसने तुरंत माही को रोकते हुए कहा, माही ऐसी सिचुएशन में तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर बहुत खतरा है। माही ने फिर उन दोनों की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहा, चुपचाप दरवाजा खोलो। माही ने नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे फैंस आपस में बहसबाजी करें और लड़ाई करें, ये सब होते हुए मैं चुपचाप बैठकर देख नहीं सकती। माही की गुस्से भरी आंखें देखकर रतन की बोलती बंद हो गई। आमतौर पर माही अपने स्टाफ के साथ काफी काइंडली बिहेव किया करती थी, खासकर कि रतन के साथ। मगर अब क्योंकि बात माही के प्रिंसिपल्स की थी तो इसीलिए कोई उसे कुछ भी समझा नहीं सकता था। इस बार अभिनव रतन की साइड पर था और उसने रतन से कहा, नहीं तुम दरवाजा नहीं खोल सकते। अभिनव ने देखा कि गाड़ी के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और उसकी लेडी बॉस इस वक्त प्रेग्नेंट थी। ऐसे में अगर माही को कुछ हो जाए तो वो विक्रम को कभी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। जैसे ही रतन कंफ्यूजन के मारे अपनी जगह पर बैठा हुआ था तभी माही ने अचानक उसकी जगह से कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया और दरवाजे को खोलकर गाड़ी से बाहर उतर गई। माही को बाहर जाते हुए देखकर रतन ने घबराहट के मारे उसे पुकारा, माही जरा रुक जाओ। मगर माही को रोकने में बहुत देर हो चुकी थी और वो गाड़ी से उतरकर बाहर निकल चुकी थी। ये देखकर रतन और अभिनव भी तुरंत गाड़ी से बाहर निकले और माही को भीड़ से प्रोटेक्ट करने लगे। माही दिखने में काफी कमजोर लग रही थी और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था, मगर उसकी आंखें तलवार की धार जितनी तेज थीं
और माही ने चिल्लाकर कहा, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग शांत रहिए। माही की तेज आवाज सुनकर लोग वाकई में कुछ पल के लिए दंग रह गए और एकदम चुप हो गए। माही ने फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। माही की कही ये बात सुनकर वहां खड़े सारे मीडिया वाले, फैंस और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़े हुए सारे लोग इस बात से काफी हैरान लगने लगे। सब लोग माही के जवाब का नर्वसली इंतजार कर रहे थे। माही ने फिर सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहा, जो मेडिकल रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है वो बिल्कुल असली है, मैं प्रेग्नेंट हूं। माही की क्लियर और तेज आवाज उस सन्नाटे के बीच लोगों के कानों में गूंजती रही। इस बात से भीड़ में मौजूद सारे लोग कुछ वक्त के लिए दंग रह गए और फिर लोगों ने हैरानी के मारे आपस में कमेंट करते हुए कहा, ओ माय गॉड, माही ने तो इस बात को एडमिट कर लिया, वो तो सच में प्रेग्नेंट है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ वक्त के लिए हैरानी के मारे मीडिया वाले भी बिल्कुल चुप हो गए थे, मगर वो अपने होश में लौट आए और उन्होंने माही से सवाल करते हुए पूछा, मिस माही, क्या आप हमें बता सकते हो कि इस बच्चे का पिता कौन है? जहां तक हम जानते हैं आपका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके और इस बच्चे के पिता के बीच गलत संबंध है? वहां खड़े सारे फैंस भी इस बात से पागल हो रहे थे और उन्होंने गुस्से में पूछा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला इस बच्चे का बाप कौन है? इस सिचुएशन में कुछ लोगों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए माही की बदनामी करने की कोशिश की और उन्होंने कमेंट करते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे वाकई में लगा कि माही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बाकी आर्टिस्ट जैसी नहीं है, मगर किसने सोचा था कि उसका नाम अब एक इस तरह की गिरी हुई खबर में शामिल हो जाएगा। सच कहूं तो माही उस रागिनी और प्रिया कपूर जैसे लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट लाइफ में माही उन दोनों से भी कई गुना ज्यादा गिरी हुई हो। आज तक तो ये लड़की सिर्फ हमारे सामने ढोंग करती रही, मगर आज इसकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। मैं तो ये बात भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बच्चे का जो बाप होगा वो जरूर कोई शादीशुदा आदमी होगा, नहीं तो भला माही इस खबर को कवर अप करने की कोशिश क्यों करेगी।